से समिति और गांव के अध्यक्ष है, बड़ा पुतला बना के फूट गया। और फिर उसका दोबारा फोन आया, जनाब एक बार वो वीडियो तो भेज दो। फिर मैंने भेजी वीडियो उसके पास, राम निवास के पास। तो इसलिए अभी भी जो गांव बचता है, कल अच्छी बात है बिरौली की बहनों ने, उन्हें मोड़ा नहीं होगा आज ताल कदमी की। सिर्फ 3 वर्कर है वहां पे गांव के। मैं शाम को गया, 7 बजे फोन आ गया कि आना पड़ेगा। और 3 में से 2 बिचारी शर्मा में, उन्होंने हिम्मत मारी पूरी। गांव का सरपंच, गांव का नम पंच और काफी लोग, सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों लोग और बच्चे गांव के अंदर। बड़ा रिस्पॉन्स है जनता के अंदर, क्योंकि दुखी बहुत है, लोग डरते उस तो केवल भाई नजरा मनी आकर दे आप तो हर ही सब गए, ठीक है ना। तुम्हारी कौन नहीं भाई, हम आवाएंगे नजरा में। अच्छा कार्यक्रम है, सरकार दबाव में है और सरकार ने हमारे से बातचीत करनी पड़ेगी। इसी तरह से ये कारवा रुक जानी चाहिए। गांव का गली गली मोहल्ला मोहल्ला कोई भी कोना गांव का नहीं बचना चाहिए कि आज आशा कैसे नहीं थी, ये चर्चा तो नहीं चाहिए गांव के अंदर। आज आशाएं क्या कर रही थी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी कुछ बहने भी आज आंगनबाड़ी की बहने आई है। हो सकता है परहेज लाल झंडे से हम उनकी मांगों का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि ये मांग अकेली आंगनबाड़ी की नहीं है। हम तो कल ही कह रहे थे ये सेंटर बंद होंगे आने वाले समय में, लेकिन उन बहनों ने जब आंदोलन हमने सीआईटी की बहनों लड़े उठा करके, कुछ बहनें सरकार की गोदी में खेल रही थी, ठीक कर ये काम तो। अरे हम कह रहे तारे सेंटर बंद होंगे, ये क्या के पहले स्कूल बनाओगे तुम, क्या के मास्क नहीं लगोगी, ये तेरा लग गया नहीं जिम्मा कुछ तो बदल के। और कुछ आई चिट्ठी गिर रही है जब 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 मैं जाके मुख्यमंत्री ने कहा नहीं बताओ लोगों आंगनबाड़ी खोलनी चाहिए बंद करनी चाहिए, लोग बोले बंद कर दो अच्छे काम की नहीं। लोग बाबरू आवे तब हम तमाम बहनों को कह रहे थे आज एकजुटता की बात है, सब इकट्ठे हो क्या हो, लेकिन कुछा का बहम हो रहा था, खतरो गलत कतली बच्ची खाऊ थी देश के ने आज डेरा लग गया हमने। उसके बावजूद भी हम बहनों को सलाम करते आओ आंदोलन में, हम तैयार है। ये लाल झंडा कभी भी नीचे नहीं होता, हमेशा लहराता है। जो भी आंदोलनकारी होंगे, जो भी लड़ने वाले लोग होंगे, हम उनके साथ होंगे। ये लाल झंडा उनके साथ होगा, सीआईटी के सिपाही अग्रिम पंक्ति में उनके साथ होंगे। जो इस बात का घमंड था सरकार का है कि हम तो बातें को नहीं करा, वो घमंड तो आप तोड़ने में कामयाब हो गए। और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है सरकार का, बड़ा अफसर है, जो मुख्यमंत्री का नजदीकी अफसर होता है, उसने आपके संगठन को बुलाया और आपके संगठन ने जिस मजबूती के साथ वहां पक्ष रखा वो काफी सराहनीय था। उन्होंने कहा कि हमारी एक एक बात के ऊपर चर्चा कर लो, बहस कर लो, अगर हमारी कोई बात गलत है तो हम यही कांटा मार देंगे। अफसरों ने कहा कि बात आपकी जायज है, तो जायज है तो फिर करते क्यों नहीं। करते इसलिए नहीं कि सरकार की कोशिश यह थी कि इसको लंबा करते जितना लंबा करना है, और ऐसे तजर्बे खट्टर सरकार कर चुकी पहले। आंगनबाड़ी का आंदोलन था आपके सामने, उसको लंबा करके तोड़ने की कोशिश की। बोलो ना भाई। कलर्कों का आंदोलन था, उसमें कुछ सरकारी घुसेड़ दिए, उसको खत्म कर दिया। और ऐसा ही वो इनका विचार था कि आशा वर्कर लंबे समय के बाद ये थक जाएंगी, निराशा होगी, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि आशा वर्करों ने ये जो सबक लिया आंदोलन का, ये किसान आंदोलन से लिया है। और किसान आंदोलन में हजारों लोग जो दिल्ली को घेरे बैठे थे या टोलों में बैठे थे, क्या था उनका कि या तो जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं। और यही एक प्रण उनका दृढ़ निश्चय। और दूसरा बात कि शांति और अनुशासन, जिस संगठन में अनुशासन नहीं होता
और शांति से काम नहीं करते, वो बिखर जाता कुछ समय के बाद। आपने रिकॉर्ड कायम किया है जींद में नहीं पूरे हरियाणा के अंदर, ये जो संख्या आपकी है यानी 98% आपकी हाजिरी होती है, ये बहुत बड़ी बात है। आरी बीमारी की वजह से, कोई पारिवारिक समस्या की वजह से शायद दो चार ना आ पाती हो, बाकी आपने जो निश्चय कर रखा है इसी का नतीजा है कि सरकार ने बातचीत करनी पड़ी। और ये वायदा किया आपके नेताओं ने बताया होगा, हमने तो इनसे जानकारी ली थी कि ये कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करवाएंगे। जीव या गेंद मुख्यमंत्री के पारे में है, वो दो दिन में कर लो, दस दिन में कर लो, महीने में कर लो, लेकिन आपने तो पक्का फैसला कर लिया कि जब तक फैसला नहीं होगा चाहे 24 का चुनाव आ जाओ हमें पाछे नहीं हटांगे, ये पक्का होगा फैसला। इसे पर डटी रही हो, इस पर डटी रहोगे तो सरकार ने बात भी करनी पड़ेगी, माननी भी पड़ेगी। एक बात तो ये, दूसरी बात, अभी कॉमरेड रमेश कह रहे थे कि आज का दिन एक काले दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। पूरे देश में उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी एक इलाका है, जिला है, वहां का एक सैन्य मंत्री है, उसके बेटे ने वहां धरने के ऊपर किसान जब बैठे थे अपनी जीप चढ़ा दी थी, जिसमें चार किसानों की और एक पत्रकार की वहां मौके के ऊपर मौत हो गई थी। पूरे देश के अंदर आवाज उठी कि इसको बर्खास्त करो, बाबू बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल में डालो, लेकिन उस मंत्री को ना तो बर्खास्त किया आज तक और ना ही जेल के अंदर डाला गया। ये मोदी सरकार की जो रीति और नीति है उसका नतीजा है, जो भी जुर्म करता है उसकी मदद में खड़े होते हैं। हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ जो किया, चाहे वो हरियाणा का उदाहरण हो, संदीप जो मंत्री है खेल का, हमारी बेटी के साथ कोच के साथ छेड़खानी की, बदतमीजी की, उसको तो परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसको अदालत के अंदर चार्ज भी रखे उसके खिलाफ, लेकिन बर्खास्त नहीं कर रहे, जेल के अंदर नहीं डाल रहे। यही हमारी कुश्ती की जो खिलाड़ी थी, उनके मंत्री हैं, जो एमपी हैं और कुश्ती संघ के वो अध्यक्ष थे पूरे देश के, आज उसकी मदद में खड़े हैं पद्मभूषण के। तो ये इनका चरित्र है कि जुर्म करने वालों का ये साथ देते हैं, और जो गरीब आदमी पीड़ित आदमी उनसे इनको नफरत है, बदबू आती है, गरीब के पसीने में से बदबू आती है इनको, यही हमें समझने की जरूरत है। तो आज पूरे देश के अंदर इसके मोदी के, टैली के, अमित शाह के, खट्टर के पुतले भूखने का कार्यक्रम है। हमने ज्यादा लोगों को आज यहां नहीं बुलाया, क्योंकि नरवाना के अंदर भी, चाणा के अंदर भी, अरेवा के अंदर भी, सभी जगह पुतले फूके जा रहे हैं। और अच्छी बात है, एक बहन तो कह रही थी कि हम खेड़ी में दूध भी आए उससे पहला, वो तो लाया था दूध है, पूरे व्यापार पुतले फूकेंगे, वो तय कर लेंगे आप चौक पर चलना, कुछ कचहरी वाले चौक पर चलना। तो यही बात कहते हैं, मेरी आपसे अपील है कि एक तो हौसला नहीं तोड़ना किसी की कीमत पर, और तरह की बातें आपको सुनने के लिए, क्योंकि महिलाओं के साथ एक ये भी जाती है ना, कहने को तो अपने देश के अंदर है 1947 में आजादी आ गई, संविधान भी मिल गया, बराबरी का दर्जा भी कह दिया, लेकिन बराबरी का दर्जा तो समाज में महिला को आज भी मिला। बहुत परिवारों के अंदर आज भी हमें समाज के तथा कथित ठेकेदारों की भी सामने सुनने पड़ते हैं, और अपने परिवार में भी पुरुष प्रधान समाज होने के नाते अपने परिवार में भी कुछ बातें झेलनी पड़ती है। इस बात के लिए तो मुबारकबाद आपको, ये शुरू शुरू में आप आया कर दी
जब आप मदद करिए ओला कैट पाया करते इसमें तो आजादी कम से कम आपके संतनवादी अब यू प्रजातक न खाए थे इसलिए आपको मुबारकबाद क्योंकि हम तो शुरू से कहते हैं महिलाओं कि यह भी एक गुलामी की प्रथा का चिन्ह है कोई शोक नहीं है ये यानी हम अपने चेहरे को ढकते चले हम चोर थोड़े हैं हम बदमाश थोड़े हैं कोई गलती थोड़ी कर रही है हम बराबर के हिस्सेदार हैं अब हिस्सेदार बराबर के बन खातर खुद ने हिम्मत करनी पड़ेगी और वो हिम्मत बराबर का एक दो संविधान के अंदर बात निकलती है आज अपने देश के अंदर एक चीज में तो बराबरी है वोट में ईसाई तो 35 किलो वाली का वोट से और ईसाई 2 किलोमीटर का सेठ हो उसका वोट से ईसाई तो अंबानी अदानी का वोट से और ईसाई हरे रिक्शा चलाने का वोट से ये बराबरी बची हुई है बाकी कहीं बराबरी नहीं है ना समाज में बराबरी ना आर्थिक मामले में बराबरी ना राजनीतिक मामले में बराबरी महिला विधेयक जो बिल था महिला का आरक्षण का 33% का आप 10 साल से लटक रहे हैं अब जो बिना फेंकिया बिना 33% आरक्षण देंगे देंगे कह दो बिना 10 साल पक्ष है देने की इच्छा नहीं केवल वोट के लिए जुमला फेंकिया है जबकि सारी पार्टियां कहती हैं कि 33% कम से कम महिला को आरक्षण दो और महिला खुद अपने तौर पे काम करे उनके पति काम ना करे मेंबर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट कुछ बराबरी के नजदीक बात लगने की होगी लेकिन आज ये वोट का अपना जरूर बराबर का अधिकार बच रहा है लेकिन अगर ये सरकार दोबारा दुर्भाग्य से आ गई इस देश के मारे भाग रहे तो बाकी तो सब कुछ बेच दिया रेल बेच दी जहाज बेच दिए हवाई अड्डे बेच दिए बंदरगाह बेच दी कोयले की खान बेच दी तेल बेच दिया एक बची आई वोट आप जब फिर वोट पढ़ने का मौका भी हमें शायद ना मिले यू भी व्यक्ति शायद कुछ लोगों के वोट होंगे तो आजादी बता दिया करते बहुत सी आपको जानकारी नहीं होगी कि आजादी जब पहले सबके वोट तो नहीं हारते कुछ आदमियों के वोट हारते और उन तक मेंबर बनाकर और अपना राष्ट्र लाया करते तो इसलिए ये भी जरूरी है जहां एक तरफ आप अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हो इस जनतंत्र को भी बचाना इस वोट के अधिकार को बचाना बराबरी के सवाल को आगे बढ़ाना और अपने संगठन में आस्था रखते हुए मजबूती के साथ डटे रहना तो आपकी जीत जरूर होगी यही कहते हुए मैं एक बार फिर किसान सभा की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं दो नारे जरूर लगाओ किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद सीआईटीयू जिंदाबाद।